बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। यही वजह कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन सफ अव्वल में बैठकर नमाज पढ़ते थे, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे, लंबे लंबे अस्कार करते थे, तो आम मुसलमान बेचारे चक देहात के उनसे इम्प्रेस होते थे कि यार कितने नेक हैं। हम तो फर्ज नमाज पढ़ के अपने खेत में चले जाते हैं, अपनी दुकान में चले जाते हैं, ये देखो कितनी लंबी लंबी तस्बीहें करते हैं, कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो देखो ज़ाहरी इबादत कितनी खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन बातनी सलाहियत नहीं है, अंदर निफाक है, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इबादत को कबूल नहीं किया बल्कि उनको मुनाफिक करार दे दिया। यहां तक कि उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी गवाही दी कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जबान से देखो कितने खूबसूरत अल्फाज उन्होंने बयान किए, लेकिन अल्लाह ने सूरत मुनाफिकून में कह दिया कि नहीं नहीं, इनके कलमे का कोई एतबार नहीं, मुनाफिक इन पर ईमान नहीं। तो अल्फाज देखो खूबसूरत थे लेकिन बातिन के अंदर निफाक था, अल्लाह तबारक व ताला ने उनके जाहिरी अल्फाज को कबूल नहीं किया, उनके मुंह पर मार दिया। तो देखो अल्लाह तबारक व ताला भी हमारी इबादत, हमारे अखलाक, हमारे अफाल और हमारे हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की अदायगी के जितने भी रवैये और सलीके हैं उसमें अल्लाह तबारक व ताला दोनों चीजें देते हैं। आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, आप किसी के बारे में बड़ी अच्छी बात कह दें, बड़े अच्छा अखलाक दिखा दें, अंदर आपके निफाक और शरारत हो, अल्लाह हमारे दिलों को झांक रहा है। इसलिए अगर किसी के साथ करना है को रवैया अखलाक का, तो सच्ची नीयत से करो, सिद्क दिल से करो, थोड़ा करो सिदके दिल से करो, अल्लाह तबारक व ताला आपकी एक खजूर जो सिदके दिल से किसी के लिए दे दी जाएगी, उस खजूर को अल्लाह तबारक व ताला कर रोज क्यामत में ओहद पहाड़ के बराबर करके पेश कर देंगे। लेकिन बगैर खुलूस और शरारत और निफाक के साथ आप पहाड़ के पहाड़ भी अल्लाह के रास्ते के अंदर तकसीम कर दें, तो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक उसकी कोई कीमत नहीं।